निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 4 जून 2021 को कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय मगध प्रमंडल के द्वारा राष्ट्रपति भवन भेजा गया। इस ज्ञापन में सबसे बड़ी चीज ये है कि इस कोरोना वायरस महामारी संकट में देश के सभी लोगों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है। विदित हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए अभी तक 35,000 करोड़ रुपया इसके लिए बजट में प्रावधान किया है, लेकिन उस 35,000 करोड़ रुपया में से केवल 13% ही खर्च किया गया है। इसलिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच इस कोरोना वायरस महामारी के लिए वैक्सीन ही है। अतः सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगे, इसके लिए हम लोग आज विस्तृत ज्ञापन दिए हैं और ये मांग और आवाज़ बुलंद किए हैं केंद्र सरकार से। जय हिंद, जय भारत।